सुल्तानपुर में बीजेपी ने अपनी सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। बीजेपी के 22 कार्यकर्ता अब मैदान में भी उतर चुके हैं। जिले के संघर्षशील जुझारू नेता ओम प्रकाश पांडे बजरंगी इसौली विधानसभा के वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर्स के साथ साथ आम लोगों से बात की और सभी को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक भी किया। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। बीजेपी ने प्रदेश में 2022 चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी नेताओं ने जमीनी स्तर पर मोर्चा संभालना भी शुरू कर दिया है। इसी दिशा में सुल्तानपुर के कद्दावर और वरिष्ठ बीजेपी नेता ओम प्रकाश पांडे बजरंगी इसौली विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। ओम प्रकाश पांडे को देखकर स्वास्थ्य कर्मी भी चौंक गए। वैक्सीनेशन सेंटर में ओम प्रकाश पांडे बजरंगी ने आम लोगों से बातचीत की और वैक्सीन के प्रति सभी को जागरूक किया। ओम प्रकाश पांडे के मुताबिक वो चाहते हैं कि जिले में हर एक शख्स वैक्सीन लगवाए, ताकि कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने पर वायरस से लड़ा जा सके। मुख्य उद्देश्य तो यही है कि इस समय संपूर्ण देश में ग्राम सभा स्तर पर वैक्सीनेशन का कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और जो ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी फैली, आगे जो आशंका व्यक्त की जा रही है, उस आशंका को एकदम समूल नष्ट करने के लिए वैक्सीनेशन ही उसका असली उपाय है। जहाँ जहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है, कहीं अगर भ्रम की भी स्थिति है, तो जन जागरूकता भी किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वैक्सीन लगाएं। ओम प्रकाश पांडे इस वक्त जिले के दौरे पर निकले हुए हैं, जहां एक ओर पूरे प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। ऐसे में सियासी सवाल भी उठना लाजमी है। विपक्षियों का साफ कहना है कि ओम प्रकाश पांडे का ये दौरा एक पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन अपने विरोधियों को पुरजोर जवाब देते हुए ओम प्रकाश पांडे ने साफ कहा कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी संगठन का प्रश्न है, चुनाव की तैयारी तो अनवरत चलती ही रहती है। हम चुनाव के समय ही प्रकट होते हैं, ऐसा विषय नहीं है। संगठन का कार्य चलता रहता है, हमेशा पांचों वर्ष लगातार चुनाव की तैयारी करते रहते हैं। संगठन की तैयारी पूर्ण रूप से है, और निश्चित तौर पे 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनने वाली है, और 350 से ज्यादा विधानसभा के सदस्य चुन करके उत्तर प्रदेश से जाने वाले। ओम प्रकाश पांडे उर्फ बजरंगी का साफ कहना है कि उनकी पार्टी के कामों की वजह से 2022 में बीजेपी बहुमत के साथ वापस लौटेगी। ओम प्रकाश पांडे के निरीक्षण के दौरान मंडल अध्यक्ष मुकेश अग्रहरी, पूर्व मंडल अध्यक्ष राजपाल शुक्ला, आचार्य सूरभान पांडे, गुलाम मोहम्मद, पंकज दुबे और गौरव शुक्ला के साथ साथ कई वरिष्ठ नेता उनके साथ वहां मौजूद रहे। ये खबर हमारे संवाददाता अफजल खान ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।